प्रश्न चार का सातवां, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस 4AB प्लस 4B स्क्वायर माइनस 9C स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 × a × 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे, 4ab को हम लिख लेंगे 2 × a × 2b। बिंदु का मतलब क्या हुआ? गुना। तो 2b कहाँ से आया? यहाँ से। देखिए 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4b स्क्वायर को इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के जगह पे है 2b, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो ये तीनों के बदले ये लिख देंगे ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए ए के जगह पे हो गया ए प्लस 2b और बी के जगह पे हो गया 3c। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस 2b प्लस बी, बी में कौन है? 3c है, गुना ए प्लस 2b माइनस 3c। तो ए स्क्वायर, देखिए ए के जगह पे है ए प्लस 2b, बी के जगह पे 3c है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब इसको हम कोष्टक हटा करके लिख लेंगे ए प्लस 2b प्लस 3c गुना ए प्लस 2b माइनस 3c। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न चार का आठवां, प्रश्न है 9z² − x² − 4y² + 4xy। तो 9z² − x² − 4y² + 4xy। तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए 9z² को हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, माइनस। अब यहाँ पे x² − 4xy + 4y². अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस जो है माइनस के बाद कोष्टक लगा देंगे। तो कोष्टक में
जो भी आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में था तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया है, चार एक्स वाई प्लस में है तो माइनस में हो गया है, चार वाई स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो गया है। अब देखिए चार एक्स वाई को बीच में लिख लेंगे क्योंकि ए माइनस बी का सूत्र पे बैठाने के लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे, ठीक है, इसको बीच में लिख लेंगे तो हो जाएगा तीन जेड का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू दो बाई प्लस दो बाई का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक दे देंगे इस तरह से। तो देखिए चार एक्स वाई को हम लिख लेंगे दो गुना एक्स गुना दो बाई, तो दो बाई कहाँ से आया, यहाँ से। देखिए चार बाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दो बाई का होल स्क्वायर क्योंकि दो का वर्ग चार होता है। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए टू ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, बिंदु का मतलब क्या हुआ गुना, प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर हम लिख लेंगे तीन जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो बाई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे कौन है, दो बाई है। अब ये देखिए कौन सा सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे तीन जेड है, बी के जगह पे एक्स माइनस दो बाई है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तीन जेड प्लस एक्स माइनस दो वाई गुना तीन जेड माइनस एक्स माइनस दो वाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब कोष्टक हटाएंगे तो लिख लेंगे तीन जेड प्लस एक्स माइनस दो वाई, तीन जेड माइनस एक्स प्लस दो वाई। अब यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दो वाई माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा देखिए तीन जेड प्लस एक्स माइनस दो वाई गुना तीन जेड माइनस एक्स प्लस दो वाई। तो इस तरह से प्रश्न, इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।